ये किटन है मेरे पास दो, और एक ये है। उनके पास आ जाती है ये फीमेल कैट, ये एडल्ट एक फीमेल कैट है। उस फीमेल के बाद एक ये फीमेल कैट है, उसके बाद ये है एक मेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फिर से एक दफा नई वीडियो के साथ वापसी। और भाई लोग, संडे हो चुका है खत्म, कल वीडियो इतनी नहीं आएगी। संडे था, संडे के दिन तो बस दिल जाता है सो जाओ, बस और कुछ काम नहीं करो, तो इस वजह से वीडियो कल बनाई नहीं थी। आज जो है मंडे है, तो फिर से वापस से आ गए हैं अपने रूटीन पे हम सुबह शेल्टर में। और शेल्टर में आने के बाद जो है सामने ट्रीटमेंट हो रही है, आप लोग देख सकते हो वही डेली वाली ट्रीटमेंट हो रही है। और बाकी कैट्स वगैरह आराम कर रही हैं अभी, और मेरी शक्ल से भी लग ही रहा होगा कि मैं सो गोड़ के आया हूँ अभी, तो मेरी भी होगी भी गंदी सी हालत हो रही होगी, वो इग्नोर करना। क्योंकि अभी अभी तो बिल्कुल सो गोड़ के आया हूँ, बाहर का मौसम भी देख लो, सुबह का क्या टाइम हो रहा है, कोई 12:30 हो रहा है अभी, ठीक है? तो ये बाहर का मौसम भी देख लो। बाकी जो है आज गर्मी थोड़ी कम है, तो कैट्स वगैरह बैठी हुई हैं, ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है सामने, तो कैट्स वगैरह का ट्रीटमेंट हो गया। और मुझे याद है मैंने बोला था कि मैं सेकंड वाली वीडियो में कैट वगैरह दिखाऊंगा डॉक्टर के लिए, तो इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप लोगों को चाहिए हो अगर तो रब्ता कर सकते हैं हमसे, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले वहाँ पर चलते हैं, ट्रीटमेंट करवा लेते हैं सारे कैट्स का, उसके बाद कैट दिखाएंगे, जब तक हमने भी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अभी सो उठ के आया हूँ मैं। ये बिल्ला जो आपको नजर आ रहा है ना सामने, ठीक है, इसकी देखो तीन टांगे हैं, एक टांग ये वाली नहीं है, ये तीन टांगे हैं इसकी बस ना। इसका कोई हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह, तो इसकी टांग कट गई थी, तभी भी इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, इसको ड्रिप लगा रहे हैं क्योंकि ये है बीमार। और इसके अलावा पता नहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मेरे बराबर में ये जहाज चल रहा है पंखा, ये इतना सुकून देता है ना, जब इसमें से पानी निकलता है वो क्या बताऊं, ये चलता ही रहता है यहाँ पर। ये देख सकते हो पानी किस तरह फेंक रहा है, कितना सारा। अभी इस बिल्ले की जो है ट्रीटमेंट चल रही है, इसको भी ड्रिप लगी हुई है, क्योंकि गर्मी की वजह से इसकी थोड़ी से डाउन हो रहा था, इस वजह से इसको एनर्जी की ड्रिप दी है थोड़ी सी। बाकी इसकी तीन टांगे हैं, बस दिखाना ये था, और इसके लिए दुआ करें जल्द से ठीक हो जाए। ये आया डेंजर बिल्ला, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये बहुत डेंजर है। तो बुखार भी है तो इंजेक्शन भी लगा देते हैं, पर अभी देखना ये है कि शिरोज इसको किस तरह संभालेगा, ये शिरोज को संभालेगा या शिरोज इसको संभालेगा। ये इंजेक्शन तो लग गया है इसको, वापिस ले गया। बहुत खतरनाक है, इसमें से कुछ कुछ बिल्ले ऐसे हैं इतने खतरनाक कि वो हाथ में नहीं आते। पहले कोई शॉपर से खेल रहा है या कोई शॉपर पड़ा होगा, फिर से खेल रहा है भाई। तकरीबन कैट्स जो है वो चेक हो गई हैं, और बाकी भी जो है राउंड मार के देख लेते हैं कि कोई अगर मार लग रही हो तो उसको भी चेक करवाएं। हाँ साइड तो हो जाओ, अनंग टड़ंग टड़ंग सेट ही है बाकी सब तो। हेलो, सो रहे हो? सो जाओ सो जाओ। बस इतनी ही है अभी, कोई ज्यादा इतनी कोई बीमार नहीं, तो जो एक हो रही है बस वही हो जाए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाएगी एंड, यहीं पर ही ट्रीटमेंट रुक जाएगी उसके बाद। अभी तो खैर ये देखो लकड़ियों से खेल रहे। अबे पागल पागल हो क्या? फिर आएगा, ये देखो ये देखो। हाँ सही है, तुम्हें क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हेलो टिंग टिंग, हेलो हेलो हेलो, मारूंगा काटेगी, मारूंगा काटियो नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो हरकत है, देखो हरकत है, देखो इसकी काटने का सोच रही है।
अच्छा अच्छा ये ले, काट ले काट ले, सो जा चल। उई तेरी माँ की। ट्रीटमेंट जो है वो भी हो चुकी है बस। 6.5 hours later. भाई ट्रीटमेंट जो है वो एंड हो चुकी थी और अब जो है शाम का टाइम हो गया। मैं भी चेंज वगैरह करने के बाद ऊपर आया हूँ दोबारा। तो आपको पता होगा मैंने बोला था कि मैं आपको फिटनेस और फैट दिखाऊंगा मेरे पास जो है अडॉप्शन के लिए। तो इनमें से आप लोग देख लें, ठीक है? आप मुझे किसी को भी चाहिए हो तो मुझसे इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंस्टा वगैरह मैंशन कर दूंगा जिनसे किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खैर आप लोगों को मैं स्टार्ट कराता हूँ, दिखाता हूँ। पहले जो है ये किटन है मेरे पास दो, और एक ये है और एक ये है। ये दो किटन है छोटे और ये सेमी पर्शियन है, पर्शियन नहीं है ये। बट जिसको भी अगर ये दोनों में से चाहिए हो कोई तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। सही से आप लोग फिर से देख सकते हो रूम आ रहे हैं फिर। हाँ ये दो किटन होगा, इसके बाद और दिखाता हूँ। किटन के बाद आ जाती है ये फीमेल कैट, ये एडल्ट एंड फीमेल कैट है, ठीक है? इसको भी सही से आप सब देख लो, आप लोग नजर आई गई होगी कैमरे के अंदर। और ये जिसको इसकी ब्रीड भी अच्छी है, ब्रीड वगैरह भी अच्छी है। और जो है मतलब अभी ये नई नई जो है अडल्ट हुई है, तो आप में से कोई भी अगर इसको अपना अडॉप्ट करना चाहता है तो इसको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये भी सही से नजर आ रही होगी आप लोगों को ऐसे करके। चलो जॉब आपके पास। उस फीमेल के बाद एक ये फीमेल कैट है, ठीक है? ये भी अडल्ट है और ये भी अडॉप्शन के लिए है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सही से अच्छी है, खेलने वाली है और फैमिली के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको भी अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो इसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी ये नंबर तो आप लोगों को आई भी होगी सही से। और उसके बाद एक ये है फीमेल किटन, ये भी जो है अडल्ट एज के लिए पूरी, और ये भी अडॉप्शन के लिए है। इसको भी बस शावर वगैरह के लिए ले जाएंगे और कोई इसको इशू नहीं है। तो ये भी अडॉप्शन के लिए अगर नीचे भी चाहिए हो तो इसके लिए भी उनसे कॉन्टेक्ट को कर सकते हैं। उसके बाद ये है एक मेल। अच्छा ना नहीं कर रहा ना, डर सुन रहा है नहीं कर रहा कोई बात भाई। ये शेल्टर के अंदर ऐसे गुस्सा कर रहा है, लेकिन अगर कोई अपने पास इसको रखेगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में। तो ये मेल कैट है और ये भी अभी जो है अडल्ट है, लेकिन खेलता वगैरह अच्छा सब कुछ। तो ये भी सेकंड नंबर आएगा होगा। ये भी अगर कोई लेना चाहे हमसे तो रब्ता कर सकता है। एक दफा उठ दिखा दो, एक दफा एक दफा एक दफा। अच्छा बस भाई एक ये मेल वाइट के अंदर, ठीक है? नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये मेल भी अडॉप्शन के लिए और ये भी अभी नया नया अडल्ट हुआ है, तो इसको भी कोई अडॉप्ट करना चाहे तो इसको भी रब्ता कर सकता है हमसे इसके लिए। आगे मेरे मुझे डॉक्टर नहीं पाऊँ। ये सारे अभी यहाँ शेल्टर में गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन घर ले आने के बाद आपको पता है एक अलग लाइफ हो जाती है, वहाँ भी सेट हो जाएंगे। तो ये भी आपने देख लिया होगा। तो खैर कैट्स वगैरह आपने देख ली होंगी, अभी तो यही हैं और इनके अलावा भी जो होंगी वो मैं आपको आगे चल के वीडियोज में दिखाता रहूँगा, ठीक है? बाकी इनमें से कोई अगर अभी अडॉप्ट करना चाहता है तो वो ज़रूर रब्ता करें हमसे, और मेंशन में कर दूँगा चीज़ें जिस चीज़ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी इनकी ट्रीटमेंट वगैरह भी हो चुकी है और इनको इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी, अभी तो सिर्फ खाने के टाइम मिलते हैं सीधा, ठीक है? अभी हम थोड़ा छत पर चलते हैं कबूतरों की तरफ, वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर उसके बाद वापसी आएंगे और इनको खाना वगैरह देंगे, तो ऊपर चलते हैं। तो भाई लोग छत पे अब आ चुके हैं, नीचे से शेल्टर से फ्री हो गए, ठीक है? और कबूतर अभी ये खुले हुए सारे के सारे और ये उड़ के भी बैठे हैं आप लोगों के सामने। तो अभी जो है छत भी साफ साफ लग रही होगी, सफाई करवाई है यहाँ की इस वजह से। अभी तो खैर ये सब खुले हुए हैं, वही तावे कर रहे हैं जिस तरह रोज करते हैं, ये भागे उड़ के। ओ आ ओ वही ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर तो कबूतर ही खुले हैं ऐसे जैसे रोज होते हैं, ठीक है? और सामने जो है शेल्टर की सफाई होते हुए भी नजर आ रही होगी एक दफा फिर से आपको। इनका खाना भी आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनको खाना डाल दिया जाए। पहले मैं चेंज छोड़ लेता हूँ, उसके बाद इनको खाना डाल देता हूँ। अब क्या भाई ये उड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को सारे कबूतर, अब तो बैठ भी रहे हैं। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, पढ़ नहीं है तुम लोगों को, आ जाओ आ जाओ। वाली दवाई ला के सारी ओ बना लो, वो पानी में मिला के भी दो और आंखों में भी डालो।
सभी एक साथ उड़ेंगे तो कितना मजा आएगा भाई। एक दफा फिर से उड़ाते हैं इन सबको। अभी भी कितने बैठे हुए हैं ढीठ के बच्चे, बाकी तो उड़ गए। ये उड़ ले, जब ये एक साथ हो जाएंगे ना सबके पर एक साथ सेट, ओफ ओ फिर क्या मजा आना है। ओ आ बे आ जाओ बेटा बैठ जाओ, सो गया। ओ पर नहीं भाई ये नहीं बैठेंगे आज। आ गए बैठ गए बैठ गए। चेंज करके मैं आ गया नीचे से, अब जो है बस खाने डालने का टाइम है, तो नीचे अभी चल के जो है इनको खाना वगैरह देते हैं गैस को, और फिर जो है यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं। और भी दूसरे काम है, कैमरा बंद करके जो मैंने भाई, अब हो चुका है इनके खाने का टाइम। ठीक है ये रही इसके हाथ में गर्दनें, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, आपको पता होगा कि हम इनको गर्दनें डालते हैं। बाकी अभी जो है सबसे बड़ा मसला वो ये है कि इनका यहाँ से रोज़ खाना डालना जिस तरह होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि देखो अभी सब के सब गेट पे ही हैं, अब इनको बताओ किस तरह रखें हम कटोरियों में या किसी चीज़ में, क्योंकि गेट खोलते ही ये सब तो हमला करेंगे, इनको अकल थोड़ी है। तो यहाँ पे सब के सब जमा हो गए, तो इनका एक हल है हमारे पास जिस तरह हम देते हैं रोज़, क्या करें मजबूरी है, इस तरह ऐसे गेट खोल के ऐसे यूँ करके फेंकना पड़ता है थोड़ा बहुत ताकि ये पीछे हो जाए। ये देखो कैसी भागी पीछे, ये इस तरह इन लोगों को थोड़ा सा इधर उधर से गेट से हटाना पड़ता है ताकि ये लोग हटें तो फिर अंदर जाया जाए। चलो भाई चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, 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 चलो भाई चलो, सबको दे दो खाना। तुम्हें क्या हो गया मेरे दोस्त, बीमार बीमार तो लग रहे हो यार, क्या हो गया? बस ठीक है, यहाँ बैठो खाना खाओ, खाना दो भाई इसको, यहाँ पे खाओ। चलो ये भाई सबको खाना दो, खा। इसके बाद इनको देंगे कैट फूड देंगे और ये गर्दनें देंगे और इनका खाना हो जाएगा पूरा। यारा फैन भी चला देते हैं तो खाना इनको दे दिया है गर्दनें, अब इनको देंगे कैट फूड ताकि ये लोग आराम से खा सकें, आराम से अपना खा सकें। इनको दो टाइम खाना देते हैं हम, दिन में कैट फूड देते हैं और रात में गर्दनें और कैट फूड देते हैं ताकि ये लोग पूरा दिन आराम से अपना गुजार सकें। होए होए भाई कैट फूड भी आ गया है, अब कैट फूड डाल रहे हैं, गर्दनें वगैरह डाल दी थी। इस कैट फूड का हम जो है बोरा खोल के इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि इजीली हो जाता है इन लोगों को फिर कैट फूड डालना। कैट फूड ऐसे थाल में देते हैं, वो कैट फूड तो ये लोग चलते फिरते खाते ही रहते हैं। ठीक है और आज की वीडियो से आपने देख भी लिया होगा कि जो कैट हमें एडॉप्शन पे देनी है, उसके अलावा आज की रूटीन हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। ख़त्म तो नहीं होती खैर, फिर गेट खुला हुआ है बाहर निकल जाएंगी बिल्लियाँ, ख़त्म तो नहीं होती है अभी तो। मैक्स उसकी वगैरह को भी खाना देना है, तो अगर वहाँ पर वीडियो को बनाना हुआ तो बना लूँगा। बाकी खैर अभी खैर वीडियो को यहीं रोकते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी आज की रूटीन भी, मिलेंगे इंशाल्लाह कल वाली रूटीन के साथ। और फिर से वही बात कि अगर किसी को कैट वगैरह चाहिए हो तो मैंने मेंशन कर दिया है कि इसके ऊपर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।